वॉग एंड राम राम भाई सारे ने भाई मस्त नहाते हैं धोते हैं और तैयार होते हैं स्कूल के लिए। और आज वेडनेसडे है तो आज हमारी दूसरी ड्रेस होगी। ये देखो भाई, ये कोट निकाल के रख दिया है, इसको साफ करना है, गंदा हो रखा है तो आज इसको मम्मी साफ करेंगी। और भाई आज एक और काम है भाई, आज मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा तो ये जो लाइटें हैं ना, बहुत सारी लाइटें हैं आज मैंने इस कल मैंने इतनी सारी लाइटें मंगाई थी ये वाली, और ये वाली तो पुरानी है, ब्लैक वाली जिसमें वाइट वाइट टेप लगाना है, ये सब पुरानी है और ये वाली नई है। तो आज इस बार लाइटें लगाएंगे। अभी बीच में स्ट्राइक आई थी तभी व्लॉग व्लॉग थोड़े आ नहीं रहे थे, तो अब से रेगुलर व्लॉग आएंगे। बीच में स्ट्राइक आ गई थी ना तभी। और पापा बाहर झाड़ू लगा रहे हैं यहाँ पे, मम्मी अंदर, तो दोनों लोग झाड़ू लगाने में। तो मैं जल्दी से जाता हूँ बाथरूम में और नहा के आता हूँ और फिर निकलते हैं स्कूल, और फिर आपको स्कूल से आने के बाद मिलता हूँ। कहीं से भी आ चुके हम वापस स्कूल से। और भाई अभी अभी मैंने कपड़े उतारे थे, मतलब ये अपना ऊपर से अपर होता है और ट्राउज़र दोनों सेम कलर के हैं, ये ऊपर से एक शर्ट पहनी होती है, शर्ट नहीं टी शर्ट। तो अभी मैंने अपना कपड़े उतारना शुरू करे और पता है घर में आज कोई भी नहीं है, ना मम्मी है, पापा तो जाते ही हैं, ना भैया, भैया वहाँ गया नैनीताल और मम्मी गई है मार्केट कुछ काम से। तो आज मैं घर में अकेला हूँ। ये देखो इतनी सारी लाइट है, मतलब ये ऊपर की तो पुरानी है और ये नीचे वाली मैंने कल ही मंगाई है नई नई, तो भाई आज इनको लगाएंगे जल्दी से। खाने में देखते हैं पता नहीं क्या है खाने में, अभी मैं अंदर भी नहीं घुसा अच्छे से। बस खाने में आज है हमारा किसी चीज़ की दाल है, रोटी सब्जी है और एक चावल है। और बताए मैं ज़्यादा दिन में रोटी वोटी नहीं खाता हूँ, चावल ही खाता हूँ, तो अपना ही खाना बना है तो उसको जल्दी से खाते हैं और फिर लगाएंगे अपनी लाइटें। तो गाइस अभी मस्त खाना पीना खा लिया और भाई खाना पीना खा के भाई मैं अभी बैठा ही था तब तक 3 बज गया भाई, 3:02 हो रहे अभी। तो अभी अपना ये सब सामान इसमें रख लिया है, कैंची और ये टेप और ये सब तो लाइटें रखी थी। तो अब चलते ऊपर और जाते हैं और लगाते हैं अपनी लाइटें। तो भाई सामान तो यहाँ पर रख दिया है, पता है हमारा क्या होगा कुछ, मतलब यहाँ से तो एक स्विच है इससे लाइटें जाएंगी, इधर से लेके ये यहाँ तक, हाँ इधर तक, ये जो है ना इतने एरिया तक, इतने में हम लगाएंगे सीधी सीधी लाइट क्योंकि यहाँ पर है ना गेट, ये गेट है तो यहाँ पर सीधी सीधी लगाएंगे। और फिर इधर पे हल्का झूमर टाइप, ये जो झूमर टाइप लगाएंगे ऐसे से करते यहाँ तक पूरे में पूरे में। फिर यहाँ पर एक और गेट आ गया है, हम इस गेट के इधर पे से, और ये तार भी है ना एक तो ये प्रॉब्लम देता है, तो हम यहाँ से इधर सीधी सीधी, मतलब इतना एरिया सीधा और वहाँ ईंटे से लेके आगे तक उतना पूरा सीधा सीधे लगेंगे और इस एरिया में लगेंगे झूमर जैसे। तो यही कुछ प्लान है इस बार का, तभी इस बार और लाइटें मंगाई थी और आधी लाइटें इधर पे लगेंगी। तो गाइज अभी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक लाइट लगा दी है, इसमें मेरे को पता है 2 घंटा लग गया और भाई अब अंधेरा होना स्टार्ट हो चुका है। देखो भाई यहाँ तक की लगा पाया मैं। और यार मम्मी पता है एक स्पेशल चीज़ लाई है, अभी इधर पे रखी थी और अभी अंदर जा चुकी है, अभी दिखाऊंगा क्या है। तो गाइस अभी हो चुकी है रात और भाई सारी लाइटें फाइनली लगा दी भाई, थोड़ी बहुत मैंने दिन में लगाई और उसके बाद 6 बजे के बाद, मतलब 6:30 के बाद मैं चले गया था घूमने के लिए, फिर 6 बजे वापस आया, फिर तब से वापस लगाने में हूँ और अभी 8:30 बज चुका है और अभी तक मैं लगा रहा था, अभी फाइनली मैंने सारी लाइटें लगा दी हैं। और मैंने सोचा था पहले कल लगाऊंगा लेकिन फिर मेरा मन करा कि आज ही लगा देते हैं, कल 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 करके कभी नहीं हो पाता है कल। तो अभी मैंने भाई फाइनली सारी लाइटें देख ली, लगा दी हैं। पहले आप भाई सिनेमैटिक्स चेक करो, उसके बाद मैं आपको पूरी लाइटें दिखाऊंगा कैसे लगाई है मैंने। अगर सिनेमैटिक्स अच्छे लगे हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं भी लगे तब भी करना भाई, बड़ी मेहनत लगी है इन सबको बनाने में, मतलब वीडियो बनाने में और ये सब लगाने में। तो भाई अभी देखो मैंने दिखा देता हूँ आउट व्यू, पहले ऐसे यहाँ पर ऐसे लगाया, इतनी वाइट वाइट लाइटें लगी हैं और इधर पे हल्का झूमर टाइप में लगा है ऐसे ऐसे। और भाई ये एक सिंगल रह गई थी, ये पहुँच नहीं पा रही थी तो ऐसे ही लगा दिया, और एक एक यहाँ पर ख़त्म होती है तो दूसरी यहाँ पर से स्टार्ट हो जाती है। ये अलग लाइट है, ये अलग लाइट है,
तो ये हल्की लपलप वाली है। ये इसमें मोड्स होते हैं अलग अलग, ये एक सिंगल मोड है, तो एक ये है और फिर ये यहाँ पर ख़त्म हो गए, ये यहाँ पर लग जाती है, तो यहाँ पर ये खाली सिंगल है और फिर थोड़ी बच गई तो हमने यहाँ पर लगा दी और थोड़ी यहाँ पर लगा दी, जिससे हमारा सब कुछ ओके लग रहा है। और बस पता एक काम रह गया है, हमने पूरे में तो लगा दी, बस वो मोमटी नहीं है वहाँ पर रह गई है, वहाँ पर अब लगाएंगे हम कल, कल को मस्त करके लगाएंगे। तब तक भाई यही सही लग रहा है आज के लिए। और भाई सबसे अच्छा लग रहा है ये व्यू अच्छा लग रहा है। अगली बार पता क्या करेंगे, और ऐसी वाइट लाइट ले आएंगे और ज़्यादा, और फिर ये जितनी वाइट लाइट है ये पूरे में लगाएंगे और फिर पूरा वाइट वाइट घर बन जाएगा। मस्त लग रही है यार, लेकिन जो भी कहो इतनी अच्छी लग रही जितनी ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। अगली बार से इसी को लगाएंगे, मस्त लग रही है भाई ओपी। तो भाई आज के ब्लॉग में कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, खाली ये सब हुआ, और जल्दी से खाना खाते हैं और फिर मिलेंगे आपसे। और अब यहीं के करते हैं अपना ब्लॉग समाप्त। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और भाई भी खाना खा दें जल्दी से। और भाई लास्ट में एक चीज़ मैं अभी बीच में दिखाना भूल गया था, मतलब जब मैं छत पे था तो मैंने एक नई चीज़ बताई थी जो मम्मी लाई है, वो मैं बताना भूल गया था। तो भाई वो चीज़ यहाँ है, देख के तो नहीं लग रहा होगा लेकिन एक स्पेशल चीज़ ये है भाई। आज हमारा एक नया गद्दा रखा है फाइनली मेरे लिए। मैं पता है यहाँ पर इतने मुश्किल से सोता था कठिनाइयों से, लेकिन मजाक कर रहा हूँ, मेरे पास एक बहुत गुदगुदा गद्दा था तो वो मम्मी ने बैठक में लगा दिया है। और मतलब एक बेड में हमारा गद्दा कम था, तो ये वाला जो बेड है ना ये थोड़ा 6 फीट से ज़्यादा है, तो उसका गद्दा मिल नहीं रहा था, तो ऑर्डर करके दिया है और फिर अब आ रखा है। तो अब ये वाला गद्दा इसमें हम लेटेंगे। और जो सबसे गुदगुदा, अरे यार मैं बोल नहीं पा रहा, हिचकी आ रही है, तो सबसे जो गुदगुदा गद्दा है ना वो मम्मी ने वहाँ बैठक में लगा दिया ड्राइंग रूम में।